नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 6 मई को रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कि डॉक्टर स्ट्रेंज किस प्रकार 6 मई से थिएटर्स में तहलका मचाने वाली है। दोस्तों इसको किस प्रकार की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस प्रकार ये न केवल हीरोपंती 2 तथा रनवे 34 के लिए मुश्किलें पैदा करेगी बल्कि आने वाली फिल्में जैसे भाई जोरदार, धाकड़ तथा भूल भुलैया 2 के लिए भी ये फिल्म जबरदस्त परेशानियां पैदा करने वाली है। दोस्तों इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों का भी भारत में काफी क्रेज देखा जाता है। अगर फिल्म अच्छी हो, हॉलीवुड की फिल्में जितनी भी बेहतरीन फिल्में आई है उन फिल्मों ने भारत में भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कई तरह के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। दोस्तों आपको एवेंजर्स याद होगी, एवेंजर्स ने भी करीब 370 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडियन नेट कलेक्शन किया था और दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो फिल्म भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी प्रकार से दोस्तों जो स्पाइडरमैन अभी स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी उसने भी करीब 225 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। तो दोस्तों इसी श्रेणी की ये फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज, इसका भी बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा हाइप है और दोस्तों बहुत जबरदस्त तहलका मचाने ये फिल्म 6 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 1 महीने से चालू है और दोस्तों क्या आईमैक्स, क्या आईनॉक्स, क्या पीवीआर, किसी भी प्रकार का सिनेमाघर हो, सभी में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है। साथ ही दोस्तों आपको भी बता दूं इस फिल्म को ना केवल इंग्लिश में रिलीज किया जा रहा है बल्कि दोस्तों हिंदी में भी ये फिल्म डब की गई है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, करीब करीब इन सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, डब करके रिलीज किया जा रहा है और दोस्तों सभी भाषाओं में फिल्म के प्रति जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है जो कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग से परिलक्षित होता है। जी हाँ दोस्तों, अब तक केवल हिंदी के लिए इसको करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है। वहीं दोस्तों अगर इसके कुल एडवांस बुकिंग की बात करें तो दोस्तों करीब 9 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग ये फिल्म अब तक हासिल कर चुकी है, जो इस बात को बताती है कि ये फिल्म कितना जबरदस्त तहलका बॉक्स ऑफिस पर मचाने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म ना केवल 2D में बल्कि 3D, 4D सभी वर्जन्स में अवेलेबल होगी और दोस्तों इस फिल्म का क्रेज बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है और दोस्तों एडवांस बुकिंग को देखते हुए लगता है कि ये फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, मतलब करीब 22 करोड़ रुपए का इसका इंडियन नेट कलेक्शन पहले दिन रह सकता है, जो कि दोस्तों कई बॉलीवुड फिल्मों का, अभी हाल ही में रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसी से पता चलता है कि ये फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में जो फिल्में रिलीज हुई है हीरोपंती 2 तथा रनवे 34 जो ना केवल आपस में क्लेश कर रही है बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 की आंधी से भी वो सामना कर रही है क्योंकि आप जानते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की सुनामी चल रही है इस समय बॉक्स ऑफिस पर और वो अभी भी हीरोपंती 2 तथा रनवे 34 से ज्यादा कलेक्शन भारत में कर रही है। तो दोस्तों अब इन दोनों फिल्मों को हो सकता है हीरोपंती 2 तो तब तक थिएटर से उखड़ जाए क्योंकि इसके कलेक्शन के डाटा बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों रनवे 34 के साथ ही 13 तारीख को रिलीज होने वाली जैस वाइज जोरदार को भी केजीएफ के साथ साथ, केजीएफ चैप्टर 2 के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज से भी क्लेश करना होगा, इसमें कोई भी मेरे को आशंका नहीं लग रही है। साथ ही दोस्तों 20 तारीख को रिलीज होने वाली कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ तथा भूल भुलैया 2 जिसमें कार्तिक आर्यन प्रमुख भूमिका में है, उन दोनों फिल्मों को भी डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से क्लेश करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी फिल्म है जिसका कुमार जल्दी नहीं उतरेगा। कम से कम 4 हफ्तों तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी, इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों अभी तो एडवांस बुकिंग फुल फ्लैश शुरू नहीं हुई है, अभी दोस्तों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन और है। 4 दिन के बाद में जब इसकी एडवांस बुकिंग की फुल रिपोर्ट आती है तो दोस्तों मेरे को लगता है फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा अपना पहला दिन इंडियन नेट कलेक्शन करेगी। तो दोस्तों अब आप सोच लीजिए कि ये फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है और किस तरह से बॉलीवुड फिल्मों के लिए जो कि पहले से ही काफी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है उन फिल्मों के लिए भी ये डॉक्टर साहब जबरदस्त परेशानी पैदा करने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।